एवरीवन, मेरा नाम है सत्यान। जैसे कि आप लोग तो मेरे को जानते ही हैं, और ये मेरा है खुद का चैनल, और इसमें मैंने पहले अपने कई वीडियो अपलोड भी कर रखे हैं। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है बेचारा कौआ। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक बहुत बड़ा और घना जंगल होता है जिसका नाम था चंपक वन। तो उसमें कई सारे पशु पक्षी रहते थे। उसमें एक कौआ था जिसका नाम था मोनू। ठीक है, तो ये थोड़ा इंसान टाइप का नाम है, बट उसका नाम ही था मोनू। ओके, तो उसको बारिश से ना बहुत डर लगता था। एक बार क्या हुआ, वो अपने घर से निकला, उसने सोचा थोड़ा घूमने चलते हैं। अपने गया वो, फिर उड़ते उड़ते उड़ रहा था, तो उड़ते उड़ते ना वो थक गया, तो वो नीचे बैठ गया जमीन पे। मतलब जमीन पे बैठा नहीं, ऐसे ही खड़ा हो गया अपने पैरों पे। फिर उसने सोचा चलो थोड़ा चल लेती हूँ। वो चलते 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 अपने घर से बहुत दूर पहुंच गया। ठीक है, और कम से कम 10-12 किलोमीटर तो दूर वो पहुंच ही गया होगा। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया ही था कि उसको बारिश से बहुत डर लगता था, तो हुआ क्या भाई, बहुत तेज अचानक से बारिश शुरू हो गई। वो सोचा अरे यार मैं क्या करूँ, मैं अपने घर से इतना दूर भी आ गया हूँ, वापस जाते जाते तो मैं मर ही रहूँगा, मुझे इतना डर भी लगता है बारिश, और इतनी तेज बारिश हो गई, ओले पड़ रहे हैं। तो मैं सोचूँ एक तो मैं एक काम करता हूँ कि अपनी बहन चिड़िया के घर चला जाता हूँ। तो उसकी चिड़िया का नाम था छुटकी। तो वहाँ पर गया, तो जब उसने अपनी चिड़िया बहन के घर का गेट खटखटाया तो बोला कि चिड़िया बहन, चिड़िया बहन। तो उधर से चिड़िया बहन बोली कि कौन है जो मेरे को बहन बोला रहा है। तो बोलता कौआ, चिड़िया बहन, चिड़िया बहन, मैं तुम्हारा भाई कौआ। तो चिड़िया बहन बोलती है कि भैया एक मिनट रुक जाओ, मैं अभी अपने मुन्ने को नहला रही हूँ। तो बोलता है कि ठीक है बहन, मैं रुक जाता हूँ। वो 5 मिनट रुका लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। फिर वो दोबारा से खटखटाया, और पता है वो घने पेड़ों के बीच में था ना उसका घर, तो थोड़ी थोड़ी बारिश तो हो ही रही थी, मतलब बूंदे तो आ ही रही थी। तो दोबारा से खटखटाया, तो चिड़िया बहन बोलती है भैया अभी ना मैं तो अपने बच्चे को सुला रही हूँ कपड़े वगैरह बदल के। तो बोलती है ठीक है भाई, थोड़ी देर और रुक जाता हूँ। दोबारा खटखटाता है वो थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद। तो बोलती है भाई अभी मेरा मुन्ना तो सोया नहीं, तो उसके लिए खाना बना रही हूँ। ठीक है मैं थोड़ी देर और रुक जाता हूँ। वो थोड़ी देर और रुका, फिर उसने दोबारा खटखटाया। तो बोलती है कि भाई मैं अभी अपने मुन्ने को ना खाना खिला रही हूँ, फिर सुलाऊंगी और फिर आप आ जाना अंदर। तो वो इस बार 10 मिनट रुका, क्योंकि उसने दो चीजें बताई थी ना, तो 5-5, 10 मिनट रुका। तो वो खटखटाता है, तो बोलती है चिड़िया बहन भाई अभी मैं ना अपने मेरा मुन्ना अभी तक सोया नहीं, आप 1 मिनट और रुक जाओ प्लीज। बोलता है ठीक है, उसने कहा तो 1 मिनट था, बट उसको बेचारे कौए को रुकवाया 1 घंटा। फिर वो दोबारा खटखटाया 1 घंटे बाद, बोलता है चिड़िया बहन अब तो 1 घंटा हो गया मेरे को, अब तो खोल लो। बारिश भी थोड़ी थोड़ी रुक गई थी, उसने सोचा नहीं भाई नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। वो खोला अपना दरवाजा, मतलब खोली अपनी दरवाजा, फिर उसके बाद उसको टॉवल दी कि लो भैया बहुत गीले हो गए, पोंछ दो। कौआ उसके ऊपर चिल्लाने लगा कि तुमने इतना लेट से क्यों खोला, थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे अपने मुन्ने को सुलाने के लिए, मैं बैठ जाता यहाँ पे। तो बोलते सॉरी भैया, वो मुन्ना मेरा थोड़ा जरूरी है ना आपसे, इसलिए। तो बोलता ठीक है ठीक है, अब मैं बैठ जाऊँ। तो बोलती है हाँ ठीक है बैठ जाओ, मैं खाना लाती हूँ। वो खाना लाने गई ना, तो उसने टेबल पे पूरा खाना लगा दिया। फिर बोली कि भाई मेरा मुन्ना ना उठ गया है, मैं उसको दोबारा से सुला के आती हूँ, ज़रा उसको सुला के आती हूँ। तो बोलती है कि नहीं लेकिन आप मेरा जो मैंने खाना परोसा है ना, वो आप अभी जूठा मत करना, मैं आपकी आदत जानती हूँ, आप अगर अपने सामने खाना पानी देखते हो तो उस पर एकदम अपनी चोंच मार के जूठा करने लगते हो। कौए ने तो ये बोल दिया कि ठीक है नहीं करूँगा, लेकिन जब वो गई तो कौए को इतनी तेज़ भूख और प्यास लग रही थी ना कि उसने सारी चीज़ें जूठी कर दी अपनी चोंच से। आई तो बोलती है भैया आपने मेरी सारी चीजें झूठी कर दी। तो बोलता है कि सॉरी बहन, मुझे बहुत तेज भूख और प्यास लग रही थी इसलिए मैंने खा लिया, तुम सॉरी। तो वो क्या की, ठीक है कोई बात नहीं। तो किचन में गई, चिमटा उठाया उसने, उसको गर्म किया आग से, और फिर बेचारी की पूंछ डरा दी, वो इतना रोने लगा आ आ आ आ। फिर वो रोते रोते बाहर की तरफ भागा और बारिश से अपना
वो सुखाया। वो दोबारा गया अंदर, बोलता है बहन तुमने तो मुझे माफ कर दिया था, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो दोबारा से उसका पूत जला दी। वो फिर दोबारा से बाहर गया, बोला आ आ भागो भागो। फिर वो पेड़ के नीचे एक लेट गया। फिर उसके बाद फिर जब बारिश रुकी ना, तो वो अपने घर गया। और फिर चिड़िया और कौवा कभी भी आपस में नहीं मिले। कौए को उससे इतना गुस्सा आ गया था, अगर चिड़िया कभी उसको रास्ते में दिख भी जाती थी ना, वो अपना रास्ता ही बदल लेता था। तो आपको कैसी लगी मेरी कहानी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो फिर कमेंट ज़रूर करिएगा, एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन व्हेन आई विल अपलोड न्यू वीडियोज़। थैंक यू।